अगर आप 2023 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका साइंस का सब्जेक्ट होता है उसमें आता है कुलाम के नियम, बायो सेवर्ट के नियम, राउल्ट का नियम, ठीक है, बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं, ओम का नियम, जो कि हर एक एग्जाम में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, जो कि अक्सर करके हर एग्जाम में पूछता है। तो कभी कभी आता है कि राउल्ट का नियम लिखिए, ठीक है, और उसका सूत्र भी लिखिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे होता है कि उन्हें पता नहीं होता है कि राउल्ट का नियम क्या है, कैसे लिखे, लॉन्ग लॉन्ग होता है, मतलब लंबा में होता है, एक एक दो दो पेज का होता है, तो लिखने में कंफ्यूजन होती है और लर्न भी नहीं हो पाता है। कभी तो दे देता है कि लॉन्ग में लिखने को आ जाता है यानी लंबे आंसर में, और कभी दे देता है शॉर्ट में लिखने को, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि अगर लॉन्ग आए चाहे शॉर्ट आए, तो उसका हमें ऐसे मैं रूल बता रही हूँ जिससे आप थोड़े से में अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं राउल्ट का नियम, कि राउल्ट का नियम होता क्या है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राउल्ट का नियम का परिभाषा। तो राउल्ट का नियम देखते हैं हम, परिभाषा क्या होते हैं। जब किसी निश्चित ताप पर, यानी जब किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अव्ययी घटक का आंशिक वाष्पदाब उस अव्ययी घटक की मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है। क्या है राउल्ट का नियम, कि किसी व निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अव्ययी घटक का आंशिक वाष्पदाब का एवं उस अवयवी घटक की मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो इसमें आप समझे अवयवी घटक मतलब क्या होता है, जैसे विलय और विलायक, ठीक है, विलय और विलायक, विलय मतलब जो पानी में घुल जाए उसे विलय, और जो पानी में न घुले उसे अविलय, यानी जो अपने में अपने रूप को धारण कर ले उसे विलायक कहते हैं, ठीक है। तो विलय जैसे नमक चीनी हो गया, विलायक हो गया दूध और पानी, ठीक है। तो यही अवयवी घटक हैं, अवयवी घटक उन्हीं को कहते हैं विलय और विलायक। तो जैसे कि जब किसी, एक बार और देख लेते हैं राउल्ट का नियम, कि राउल्ट का नियम क्या होता है फ्रेंड्स। मैं जो इतने बता रही हूँ केवल परिभाषा और मेन सूत्र बता रही हूँ आपको, अगर आप इस इतना लिख लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट भी होते हैं, ये अक्सर करके हर एग्जाम में पूछता है। और एग्जाम में क्या, हर एक हमेशा आपके अर्धवार्षिक में, त्रैमासिक में और बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता रहता है नियम को लिखने के लिए। सो मैं बता भी चुकी हूँ आपको कि राउल्ट का नियम, फिर से देख लेते एक बार की परिभाषा क्या होता है। किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्पदाब एवं अवयवी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। जैसे कि सूत्र है, अगर आप ज्यादा नहीं तो केवल इतना ही सूत्र लिख दीजिएगा, यही मेन सूत्र है राउल्ट के नियम का, पीएस बराबर एक्स प्लस पी जीरो, ठीक है। क्या पीएस बराबर एक्स प्लस पी जीरो, यही राउल्ट के नियम का सूत्र है, पीएस बराबर एक्स प्लस पी जीरो। तो आपको लिखना क्या है, राउल्ट का नियम यहाँ पे आप लिख देंगे, उसके नीचे लिखेंगे किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अव्ययी घटक का आंशिक वाष्पदाब उस अव्ययी घटक की मोल प्रभास के समानुपाती होता है, पीएस बराबर एक्स प्लस पी जीरो, ठीक है। अगर आप इतना राइट कर देते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक, क्योंकि इसका परिभाषा भी है, सूत्र भी है, पूरा का पूरा आप राइट कर चुके हैं। और यही क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर में आता है, तो इसी को पूरा लॉन्ग करके राइट करना रहता है, लेकिन परिभाषा यही रहेगा। सो आप बिल्कुल भी डरिएगा मत, यही लिख दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मैं 100% कह रही हूँ कि पक्का आपको मिल जाएगा, ओके। तो ये रहा आपके राउल्ट के नियम का परिभाषा और ये रहा उसका सूत्र। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।